हाय फ्रेंड्स, अगर आप दुबई के पाम आइलैंड के आसपास एक दिन में टूर करना चाहते हैं, जैसे कि भुजाल अरब हो गया, व्यू ऑफ़ द पाम हो गया, द पॉइंटे करके एक पॉइंट है अटलांटिस के पास, और अटलांटिस, ये जो फोर मेजर अट्रैक्शंस हैं, ये अगर आप एक दिन में करना चाहते हैं तो इसके लिए पहले दुबई का मैप समझना होगा। ये जो है मेरा होटल था अल जदाफ में, और ये है भुजाल अरब जो कि 30 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो आपका होटल कोई भी होटल रह सकता है, थोड़ा बहुत किलोमीटर ऊपर नीचे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो लेट्स से होटल से नाश्ता करने का 9:30 आप निकले, 10 o'clock तक वहाँ पहुँचे, 2 hours अराउंड भुजाल अरब विजिट करने को चाहिए। फिर भुजाल अरब से जो है आप 10 टू 15 मिनट्स में व्यू ऑफ़ द पाम पहुँच गए, और वहाँ पे जो है आपने नकील मॉल के ऊपर व्यू ऑफ़ द पाम है, वहाँ पे आपने जो है पाम आइलैंड देखा, उसमें अराउंड 1 hour समझ लीजिए। और फिर वहाँ से आपने जो है मेट्रो की टिकट्स ले ली, और वाया मेट्रो जो है आप द पॉइंटे के इधर पहुँच गए। फिर द पॉइंटे के इधर पहुँचने के बाद आप लंच कर सकते हैं। उधर मैंने जो लंच किया था वो बीकानेर वाला का रेस्टोरेंट था, उधर किया था। और आप जो है कोई दूसरे ऑप्शंस भी देख सकते हो, उधर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो वहाँ पे बीकानेर वाला जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे लंच करके और फिर उसके बाद में द पॉइंटी विज़िट करके और फिर अटलांटिस, या तो टैक्सी या मोनोरेल, जिससे मन हो उससे जा सकते हैं। मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि आप जो हैं वो मोनोरेल से अटलांटिस जाएँ, उसका व्यू बहुत अच्छा है। भुजाल अरब अपने आप में एक अट्रैक्शन है जो कि एक 7-star प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी विजिट करने के लिए 90 मिनट्स का जो है वो गाइडेड टूर होता है, और इसकी जो चार्जेस हैं वो 399 दिराम है। और इसके जो टाइमिंग्स है वो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक का टूर होता है ये। और ऑनलाइन बुकिंग रिकमेंडेड है क्योंकि ये एडवांस में सोल्ड आउट हो जाता है। और जो है बेसिकली ये एक 7-star होटल है, तो ये होटल का टूर करके हम देख सकते हैं कि कितना लैविश एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है और क्या लैविश एमिनिटीज़ में लोग जी सकते हैं। तो जिस तरीके से आप ये फ़ोटो में देख पा रहे हैं, जो बाथरूम के जो एक्सेसरीज़ है वो भी सब गोल्ड प्लेटेड है। तो ये अपने आप में, अगर आप लग्जरी टूर में बिलीव करते हैं या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक यूनिक तरीके का अट्रैक्शन है। इसके बाहर एक पार्क भी है जहाँ पे कुछ सेक्शन में वो गाइडेड टूर कराते हैं, और इस तरीके से जो है भुजाल अरब का जो है आप टूर कर सकते हैं। नेक्स्ट अट्रैक्शन जो है पाम आइलैंड है, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि इसमें आप 6 hours का टोटल टाइम स्लॉट पकड़ के चले पाम आइलैंड के लिए। पाम आइलैंड में ऐसा है कि पाम गेटवे करके जो है पहला मोनोरेल स्टेशन है, और आखिरी मोनोरेल स्टेशन जो है वो अटलांटिस एक्वावेंचर है। तो मेरी ओपिनियन ये रहेगी कि मोनोरेल का एक अनलिमिटेड राइड का पास आता है अराउंड 35 dirhams का, तो वो डे पास आप ले लें तो उसमें आप कितनी भी बार इन आउट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बार बार टिकट निकालने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो नखील मॉल के 52nd floor पे आके जो है ये पाम व्यू का नज़ारा लिया जा सकता है। और इसके जो चार्जेस हैं वो प्राइम आवर्स 4 to 7 में 150 dirham है, और नॉन प्राइम आवर्स में 10 to 3:30 अराउंड 100 dirhams है। और ये अट्रैक्शन विजिट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स चाहिए। दोनों अट्रैक्शंस देखने के बाद जो है भूख लगेगी, तो बीकानेर वाला एक अच्छा ऑप्शन है, और दूसरे ऑप्शंस भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैंने वहाँ पे लंच किया था। और एक ये चेन अच्छी है, इसमें कोई इशू नहीं है, तो खाना अच्छा मिलता है। और ये आप स्क्रीन पॉज करके जो है रेट्स चेक कर सकते हैं, तो उस हिसाब से जो है आप यहाँ पे जो है लंच कर सकते हैं। और लंच करने के बाद वहीं पे बाजू में द पॉइंटे करके पॉइंट है, वो पॉइंट भी आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं विज़िट करने के लिए। द पॉइंटे जो है वो एक बीच है, या बीच साइड प्रॉपर्टी है, तो ये जो है एक फ़ोटो पॉइंट बोल सकते हैं इसे। यहाँ से जो है अटलांटिस का काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है, मोनोरेल आती जाती काफ़ी अच्छी दिखती है, और साथ ही में बीच पे जो है आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है स्पेंड करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, ये एक फ़ोटो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इधर करने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन सिंस ये रूट से जा रहे हैं तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना तो बनता ही है। तो ये है द पॉइंटे। द पॉइंट करने के बाद में वापस मोनोरेल लेके आप जो है अटलांटिस एक्वावेंचर जो कि लास्ट स्टॉप है वहाँ पे जा सकते हैं। इसका व्यू बहुत मैजेस्टिक है, और अटलांटिस एक्वावेंचर के उधर उतर के बेसिकली वहाँ से अटलांटिस देख सकते हैं। और वहाँ पे जो है बहुत चौड़ा फुटपाथ है, तो वहाँ से समुंदर भी दिखता है और जो है अटलांटिस भी दिखता है। तो ये मेरे ओपिनियन में शाम में यहाँ जाना परफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे जो है अटलांटिस में एक कोल्ड स्टोन क्रीमरी करके एक आइसक्रीम शॉप है, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि और ये अटलांटिस कैंपस के अंदर है, तो थोड़ा सा आप अटलांटिस का फील भी ले सकते हैं अंदर जाके।
और वहाँ पे जाके जो है ये आइसक्रीम खा सकते हैं। तो अभी कॉस्टिंग की अगर बात करें 2 पर्सन्स के लिए, तो जैसे सुबह हम होटल से टैक्सी से आए तो ये जो चार्ट है इसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली पर किलोमीटर 1.8 दिराम है और हमारा जो है 30 किलोमीटर्स है, तो हम अप्रॉक्सीमेटली 60 दिराम्स कॉस्ट पकड़ेंगे टैक्सी की। भुज अल अरब का जो है पर पर्सन जो टूर कॉस्ट है वो 399 दिराम्स है, तो 2 पर्सन्स का 399 × 2 रफली 798 दिराम्स होगा। व्यू ऑफ द पाम की बात करें तो हमारे टाइमिंग्स के हिसाब से जो है 100 दिराम वाले स्लॉट में जाएंगे, तो 2 पर्सन्स का 100 × 2 दिराम 200 दिराम होगा। लंच का जो है एक रफ एस्टिमेट 50 दिराम पर पर्सन पकड़ा है, तो 50 × 200 दिराम होगा। मोनोरेल की अगर टिकट की बात करें तो 35 दिराम 1 पर्सन के टिकट की कॉस्ट है, तो दोनों के मिला के 70 दिराम्स। और वापस एटलांटिस से जो है मोनोरेल लेके और वापस जो है व्यू ऑफ द पाम तक आके टैक्सी करके होटल जा सकते हैं वापस, तो उसका चार्जेस अप्रोक्सीमेटली 60 दिराम। तो जैसा कि आपने देखा कि अप्रोक्सीमेटली 1200 दिराम्स जो है कॉस्टिंग आ रही है 2 पर्सन्स की, जो आइटनरी मैंने बताई इंक्लूडिंग लंच। तो ये आइटनरी में मैंने अभी तक डिनर रखा भी नहीं है, उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट हाफ में जो है आप भुज अल अरब और व्यू ऑफ द पाम कर लेंगे और सेकेंड हाफ में जो है आप जो है द पॉइंटे और अटलांटिस कर लेंगे। तो इतना सब एक्टिविटीज़ करने के बाद में रफली 7 o'clock अगर आप अपनी रिटर्न जर्नी प्लान करते हैं, तो अगर आप अटलांटिस से मोनोरेल लेके व्यू ऑफ द पाम तक मोनोरेल लेके आते हैं और उधर से टैक्सी लेके वापस अपने रूम तक जाते हैं, तो मेरे हिसाब से अटलांटिस से रफली 1 घंटा होगा आपके होटल का डिस्टेंस जहाँ पे भी आप स्टे कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा सोचना है कि अप्रॉक्सीमेटली 8:30 आप अपने होटल पहुँचेंगे। तो सुबह से ये जर्नी स्टार्ट करके यहाँ तक करने के बाद मेरे हिसाब से जो एक्टिविटी और कोई करने के लिए एंथुसियाज्म और एनर्जी बचेगी नहीं, तो बेटर यही होगा कि होटल में जाके जो है वो रिफ़्रेश हुए और जो है फिर या तो इन रूम डाइनिंग कर लें या उधर ही किसी नियरेस्ट रेस्टोरेंट में जो है जो प्रिफर्ड खाना है वहाँ पे जाके खा सकते हैं। तो यही मेरे हिसाब से बेस्ट वे रहेगा ये टूर को कंप्लीट करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। ज़रूरी नहीं है यही वीडियो रिलेटेड हो, और भी कोई वीडियो रिलेटेड या और भी कोई टॉपिक रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की। और जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।